अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं करेंसी कन्वर्टर की। तो करेंसी कन्वर्टर में हमें टिंकटर में ये ऐप बनाई है। तो सबसे पहले आपने इंस्टॉल करना है पिप इंस्टॉल, ये आपने इंस्टॉल करना है फॉरेक्स पाइथन, ये वाला फॉरेक्स पाइथन पिप इंस्टॉल। मैं ये दिखाता हूँ आपको कि मैंने पिप इंस्टॉल फॉरेक्स डैश पाइथन ये इंस्टॉल करना है। तो ये फॉरेक्स जो होता है ये बेसिकली आपकी जो फॉरेक्स एक्सचेंज की होती है उसको बेसिकली कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। करेंसी की रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो फॉरेक्स डैश पाइथन ये क्या है? फॉरेक्स पाइथन इज़ अ फ्री फॉरन एक्सचेंज रेट्स एंड करेंसी कन्वर्जन फीचर। लिस्ट ऑल करेंसी रेट्स, बिटकॉइन प्राइस फॉर ऑल करेंसीज कन्वर्टिंग अमाउंट टू बिटकॉइन। गेट हिस्टोरिकल रेट्स फॉर एनी डे सिंस 1999। कन्वर्जन रेट फॉर वन करेंसी यूएस डॉलर टू इंडियन रुपीज़। कन्वर्ट अमाउंट फ्रॉम वन करेंसी टू अदर यूएस डॉलर टू पीकेआर। करेंसी सिंबल, करेंसी नेम्स। पिप इंस्टॉल फॉरेक्स डैश पाइथन। तो ये सबसे पहले इंस्टॉल करना है इसमें। तो टिंकटर में इंपोर्ट टिंकटर आएगा फ्रॉम TTK क्लास करेंसी कन्वर्टर। तो टेफ इनिटर इनिशियलाइज सेल्फ रूट है। सेल्फ डॉट रूट इज इक्वल टू रूट है। सेल्फ डॉट रूट डॉट टाइटल करेंसी कन्वर्टर है। तो सेल्फ डॉट अमाउंट अंडर स्कोर वेरिएबल TK डॉट डबल वार और सेल्फ डॉट फ्रॉम करेंसी अंडर स्कोर वार इज इक्वल टू TK डॉट स्ट्रिंग वेरिएबल। GUI एलिमेंट में हमने अमाउंट दे रखी है। सेल्फ डॉट अमाउंट लेबल है TK लेबल रूट में। सेल्फ डॉट अमाउंट एंट्री TK रूट टेक्स्ट वेरिएबल सेल्फ डॉट अमाउंट वेरिएबल है। सेल्फ डॉट फ्रॉम करेंसी लेबल इज इक्वल टू टिंकटर लेबल फ्रॉम करेंसी। सेल्फ डॉट फ्रॉम करेंसी कॉम्बो बॉक्स इज इक्वल टू TTK डॉट कॉम्बो बॉक्स रूट टेक्स्ट वेरिएबल सेल्फ डॉट फ्रॉम करेंसी वेरिएबल टू द वैल्यू वेरिएबल। सेल्फ टू करेंसी लेबल इज इक्वल टिंकटर लेबल रूट करेंट टू करेंसी फ्रॉम सेल्फ करेंसी कॉम्बो बॉक्स टू टिंकर कॉम्बो बॉक्स। कन्वर्ट बटन है, कन्वर्जन का है और ग्रिड लेआउट है। अमाउंट लेबल और एंट्री लेबल है ग्रिड का। फ्रॉम करेंसी लेबल है कॉम्बो बॉक्स में। हम इसमें से इनिशियलाइज करेंसीज को करेंगे सेल्फ डॉट करेंसी रेट्स और करेंसीज में ये फंक्शन डाला हुआ US डॉलर टू एनी अदर कंट्री कन्वर्जन। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग डेफ कन्वर्ट की दे रखी है हमने, अगर उसमें हो तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग को मैनेज किया जा सके। तो उसके बाद हमने इसमें कन्वर्ट कर रेट को मैनेज करने के लिए करेंसी कन्वर्जन का रेट्स को ऑप्टिमाइज करवाया है। ठीक है, अच्छा इसको चला के देखते हैं। तो ये हमारे पास ऐप आ गई है। तो इसमें हम 100 लिखते हैं। तो फ्रॉम यूरो टू जैपनीज येन, तो ये बनते हैं 16196 जैपनीज येन। तो अभी हम गूगल पे जाके देखते हैं कि 100 यानी कि यूरो, 100 यूरो टू जैपनी येन, ये बनते हैं 16196। नहीं, ये सही आंसर दे रहा है 16196। तो ये तकरीबन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ रहा है लेकिन ये सही आंसर दिया है इसने। अगर 100 यूरो को हम कन्वर्ट करें BGN में, ये GBP में, ग्रेट ब्रिटेन में, तो ये बनते हैं 87.16 ग्रेट ब्रिटेन। 100 यूरो टू, 100 यूरो टू ग्रेट ब्रिटेन GBP, तो ये बनते हैं 85.90 पाउंड। तो 86 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आ रहे हैं। तो ठीक है, तकरीबन 2 पाउंड का इसने थोड़ा सा इशू है लेकिन ये सही कन्वर्ट कर रहा है। तो अभी हम 100 यूरो को में कन्वर्ट करते हैं, नए नार में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बनते हैं 8884 रुपीज़। तो 100 यूरो टू INR 9072 ये बनते हैं, 9072। ठीक है जी, तो ये सही कन्वर्जन कर रहा है। तो तकरीबन थोड़ा बहुत 19 रुपीज़ का फ़र्क है इसके अंदर। तो ये ब्रिटिश में कन्वर्ट करें तो ये इस तरह से दे रहा है इसमें। ठीक है जी, तो इसके अलावा दूसरा ऐप है, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। तो PKR वाला भी बनाया हुआ मैंने, जिसमें पाकिस्तानी करेंसीज को ऐड करने कराया था मैंने, उसने ऐड नहीं किया था। तो इसमें ऐड है हमारे पास PKR करेंसी। अगर हम 100 देखें तो यहाँ पर हमारे पास PKR भी मौजूद होगा। PKR टू अगर हम बात करें INR, तो ये बनते हैं 8326 INR, ये ज़्यादा बना रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यूरो में तो कितने बनते हैं, 93.72 यूरो। ठीक है जी, 100 PKR, ये गलत कन्वर्जन कर रहा है, PKR करेंसी की कन्वर्जन गलत कर रहा है। तो अगर जैपनीज येन देखें यूरोप में तो ये ठीक कर रहा है, 0.6। 100 जैपनीज येन इज इक्वल टू 0.62 यूरो, यानी कि ये कुछ करेक्शन इसमें है। कुछ में रिजल्ट में ये फॉल्स दे रहा है, कुछ में सही नहीं देता रिजल्ट। लेकिन बहरहाल ये करेंसी कन्वर्टर की, जी टिंकटर की ऐप है,
तो उसमें ये डीके में अगर हम जी ग्रेट ब्रिटेन में देखें तो ये सही दे रहा है। तो इसमें कुछ कंट्रीज़ का डाटा जिन्होंने हमारे पास ऑनलाइन APIs बनाई हुई हैं उन APIs को तो ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो APIs ऑनलाइन नहीं है तो उनको ये एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ये मिसाल के तौर पर ये पोलैंड में देखें तो सेक में देखें तो ये कन्वर्ट करेगा तो ये हमारे पास 38.14 पोलैंड के पैसे बनते हैं ये, ठीक है जी। तो इस तरह से ये कन्वर्जन हो रही है। तो 19.42 DK के बनते हैं ये वाले। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये कोड गिटहब पर शेयर कर दूंगा मैं, अब वहाँ से ये ले सकते हैं। तो ये टिंकटर की ऑनलाइन ऐप है, वैसे भी ये बेसिकली गूगल की API जो है ना, तो अगर हम बात करें 100 PKR 2 INR रियल टाइम में ये 29.78 रुपीज़ बनते हैं। तो हमारी करेंसी इस वक्त इसके अंदर डाउन हुई हुई है। तो अगर हम बात करें 100 यूरो यूरो टू PKR तो ये बनते हैं 30,471.32, तो 30,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। तो INR में देखते हैं कितने बनते हैं, 9,000 रुपये बनता है, यानी कि इतना डिफरेंस आ रहा है। तो ये करेंसी कन्वर्जन में इस तरह से, ये बेसिकली गूगल की API है ऑनलाइन, ये गूगल की ये फॉरेक्स पाइथन जो अभी ये मैंने बताया आपको, ये फॉरेक्स पाइथन जो है ये बेसिकली ये इस API ने हमारी इस API की कन्वर्जन को उठाना है, ये फॉरेक्स कन्वर्टर में ये वाला टिंकटर ST के फॉरेक्स पाइथन कन्वर्टर टू इम्पोर्ट करेंसी कर रेट्स, ये बेसिकली इसको यहाँ से उठा के तो उसको एक्सट्रैक्ट करता है। तो ये आपको होपफुली ये चीज़ पसंद आई होगी, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।